सबको आदाब। आज चंद्रयान मोटा पीएस लिमिट्स में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ एक रूट मार्च फ्लैग मार्च कर रहा है। एक कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर है ताकि लोगों अपने त्योहारों को विदाउट एनी फियर अपना त्योहार को विदिन लॉ सेलिब्रेट कर सकते। साथ साथ ये एक वार्निंग मान सकते हैं कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो अपने एंटी सोशल एलिमेंट्स को एक वार्निंग है ताकि वो अपने एंटी सोशल एक्टिविटीज से दूर रह के यहाँ पे फेस्टिवल्स को जो हमारा गंगा यमुना तहजीब है यहाँ पे जो शांत और अमन बरकरार रखे अभी तक अभी सभी लोग मिलके उसको कंटिन्यूस करके काबू रखने के लिए ये सारी एफर्ट्स किया जा रहे हैं। इसके साथ साथ सारी विनायक पंडाल ऑर्गेनाइजर्स को हमारे साइड से एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोकल पुलिस का कोऑर्डिनेशन पे आपने इंटीमेशन फॉर्म दिया जिसमें आपका पॉइंट ऑफ इमर्शन और डे ऑफ इमर्शन है उसको प्लीज फॉलो करें ताकि हम तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस डिपार्टमेंट और जीएचएमसी ने उनका अरेंजमेंट किया कि इमर्शन के लिए या ट्रैफिक अरेंजमेंट भी उसी के हिसाब से किया। और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी लोगों को, ये सभी का तावन मांग रहे हैं कि इस फेस्टिवल को हमेशा जैसा कोई बिना इश्यू का हमेशा जैसा शांति से बनाते वैसे ही करने के इस बार भी आप लोग का हेल्प चाहिए। थैंक यू। सर, सोशल मीडिया पे जो भी अफवाह आ रही है, जो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे? सभी को सभी आवाम को हमारा साइड से गुजारिश है, सोशल मीडिया पर जो भी अफवाह आ रहे हैं उसको बिलीव मत कर लीजिए। कोई भी आपको डाउट है लोकल पुलिस से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हम आपका जितने भी डाउट से दूर कर लेंगे। और जितने भी लोकल पुलिस का थ्रू आया हुआ बुलेटिन को ही बिलीव कर लीजिए, सोशल मीडिया पे जो न्यूज आ रहे हैं उसको बिलीव मत कीजिए। और जो वायरल करेंगे उनके ऊपर आप सबसे ज्यादा उनके ऊपर केस बुक किया जाएगा और उनका लॉ के हिसाब से उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू। आगे लो बैक साइड में डाल रहा था, चलो तो आगे चलो, जरा आगे चलो भाई, रनिंग में चल सकते अपन ना।